हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम पवार है और आप देख रहे हो सिविल का सपोर्ट। दोस्तों, अक्सर हमारे मिस्त्री भाई, ठेकेदार भाई या फिर कोई भी जो मकान बना रहा है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी दोस्तों, काफ़ी एक गलती कर जाता है और वो है कॉमन गलती। कॉमन गलती का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का, आप चुनाई ले लीजिए या फिर आप प्लास्टर ले लीजिए या फिर आप बीम कॉलम का माल जो है पीसीसी कर रहे हो या फिर किसी भी तरह का जो काम है वो आप कर रहे हो, तो उसमें एक कॉमन गलती ये होती है दोस्तों कि आप जो भी माल बनाते हो उसको कई घंटे तक यूज़ करते रहते हो, जो कि मतलब बहुत ही बड़ी ये गलती भी है। और जो माल की आपकी जो सेटिंग है दोस्तों, वो एक घंटे के अंदर अंदर आप किसी भी माल की सेटिंग होना चालू हो जाती है। आप कंक्रीट का माल बनाते हो तो उसमें भी एक घंटे में उसका वो प्रोसेस चालू कर देता है। अगर उसको फिर बार बार आप काट काट के ना इधर उधर करते हो तो फिर उसकी जो सेटिंग की जो प्रोसेस है दोस्तों गड़बड़ा जाती है और फिर उसके बाद में वो बात नहीं रहती है जो आप मतलब फर्स्ट टाइम उसमें पानी डाल के माल बनाते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम पानी डाल के माल किसी भी माल को बनाओगे और उसके बाद उसको एक घंटे के अंदर किसी भी जगह पे सेव कर दोगे कि हाँ ये यहाँ पे लग चुका है, तब जाके आपकी जो मजबूती वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम छत ढलाई करते हैं उस टाइम पे दोस्तों मशीन से माल बनते खेप ऊपर जाके डल जाता है वो, तो आप समझ सकते हो कि माल की जो प्रोसेसिंग है दोस्तों एक घंटे भी नहीं होते है और वो माल पे माल डलता रहता है। और अगर उसके बाहर के, अगर उसके पीछे की साइड का जो माल देखते हो आप, अगर मान लो आपकी छत के अंदर ढलाई के अंदर अगर मान लो 2 घंटे या 3 घंटे लग रहे हों, तो पीछे की साइड का जो माल है दोस्तों वो उसका मतलब सेट होना चालू हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि आप जब चुनाई करते हो तो वही प्रोसेस रहता है, आप बार बार उसको काटते हो तो उसमें होता क्या है कि उसका जो सेटिंग है वो गड़बड़ जाती है और फिर वो पकड़ नहीं रहती है। पकड़ता है मगर वो पकड़ नहीं रहती जो फर्स्ट टाइम में उसकी पकड़ होना चाहिए। तो आप उसमें एक ही काम कर सकते हो कि जब भी आप माल बनाएं तो आपको उसको एक घंटे के अंदर कहीं पे भी लगा सकते हो, या फिर माल को सूखा रख लें। अगर आपसे नहीं लग रहा है एक घंटे में तो माल को सूखा काट के रख लें और जितना ही लाभ उसमें पानी डालें कि आप इतना उसको यूज़ कर सकते हो एक घंटे में, और बाकी माल पड़ा रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।